वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट। ये लेक्चर वन है प्रोबेबिलिटी का, जो नाइन्थ क्लास के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखो निकालनी किसकी होती है, प्रोबेबिलिटी उन्हीं की निकालनी होती है जिनके आउटकम्स वेल डिफाइंड हो। ठीक है, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ काम कर रहे हो, जैसे कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं कॉइन को उछालूंगा, ये मेरे पास कॉइन है, अगर मैं इसको टॉस करूंगा या इसको उछालूंगा तो या तो इस पे हेड आएगा या इस पे टेल आएगा। ठीक है, ये डाइस है। ठीक है, इसको मैं जब थ्रो करूंगा, इसको छोड़ूंगा, तो या तो ऊपर से अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा, ऐसे करके छोड़ता हूं, तो या तो इस पे क्या आएगा, जो इस पे लिखा है वही आएगा। ठीक है, तो इस पे क्या आएगा, जो लिखा है वही आएगा। ठीक है, वन आ सकता है, जैसे वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, ये फाइव आ सकता है और ये सिक्स आ सकता है। ठीक है, तो ये आ सकता है, या कुछ हमारे पास यहां पे कार्ड्स होंगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ निकालना चाहो, लेकिन आपको पता है ये कार्ड्स क्या है, वेल डिफाइंड है, सारे कार्ड्स क्या है, वेल डिफाइंड है, यूनिकली आप सबको पहचान सकते हो, यानी हम उन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिनका आउटपुट क्या हो, जिसका आउटपुट वेल डिफाइंड हो, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन अगर आउटपुट वेल डिफाइंड ना हो तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो जिसका आउटपुट वेल डिफाइंड हो उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसका आउटपुट वेल डिफाइंड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, क्योंकि पता है या तो बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब इसका आउटपुट मुझे पता है होगा या नहीं होगा। ठीक है, मान लो कहीं पे भूकंप आता है, ठीक है, या अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी है या आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, बट उससे नुकसान क्या होगा आपको नहीं पता ना, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसका आउटकम आपको नहीं पता, उससे जो नुकसान होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके आउटकम्स वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिनके आउटकम्स वेल डिफाइंड है। ठीक है, क्लियर है, जैसे क्वाइन को टॉस कर रहे हो तो उसका आउटकम्स, अब अगर क्वाइन को टॉस करोगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका हेड या टेल वेल डिफाइंड हो गए। अब ये नहीं कि सर वो वर्टिकली ऐसा स्टैंड कर जाए, ऐसा कहीं स्टैंड कर जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, इस केस को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी को तीन तरीके से फाइंड किया जाता है, एक इसकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, एक क्लासिकल अप्रोच है, और एक क्या है, एक्सियोमेटिक अप्रोच है, थ्योरम्स के थ्रू अप्रोच है। ठीक है, कुछ वेल डिफाइंड चीजें कह दी गई हैं। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच, इन दोनों को हम नहीं स्टडी करेंगे, ये हायर क्लासेस में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच और ये हमें अभी स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टडी इसको करना है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है, या इंपेरिकल अप्रोच या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अप्रोच, इन तीनों को, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो हम इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हायर क्लासेस में है, ये किसमें है, हायर क्लासेस में। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो हेडिंग डालिए सर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, हेडिंग डालिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोले या सिर्फ प्रोबेबिलिटी बोले, दोनों का मतलब सेम है, या क्या कहे प्रोबेबिलिटी, तो दोनों का मतलब अभी आपके लिए सेम है, आपको प्रोबेबिलिटी बोले एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोले तो अंडरस्टूड है कि ये प्रोबेबिलिटी ही है, और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते। तो सबसे पहले सर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें, ठीक है तो दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, इसको दो तरीके में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से हम बोल सकते हैं, एक होता है सर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता रैंडम, और इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक
प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, या रैंडम एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर ये वर्ड यूज होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट या ऐसे करके आप देख सकते हो, और इसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि जैसे आपको ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको इतना पता होगा कि इसका आउटकम है, आउटकम क्या है, ठीक है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो और उसका आपको आउटकम पता हो कि यही आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लो ये कॉइन है, इसके इस साइड भी हेड हो जाए और दूसरे साइड भी हेड हो जाए, ठीक है। एक कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड है, एक कॉइन ले लिया, इसके बाहर की तरफ भी हेड है और इसके पीछे भी हेड है, ठीक है। तो अगर आप इस कॉइन को थ्रो करते हो, इस कॉइन को थ्रो करते हो, तो पता है सर हेड ही आएगा, वर्टिकल पोजिशन तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि हेड ही आएगा, मतलब यहां पे हमें क्या है, आउटकम हमें पता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे, ये देखते हैं। अगर आपको आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, मान लो आपने कॉइन टॉस किया, और वहां से क्या आ जाए, वहां अब एक कॉइन लेते हो, अगर फेयर कॉइन है आपका, तो या तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो पता है हेड या टेल, ये आउटकम्स है हमारे, ठीक है। तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में तो लेके आएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट की आपको कोई एक्सपेरिमेंट करते हो लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपके उसके आउटकम्स ना बता पाओ, ठीक है, यानी मैं आउटकम्स को इस कुछ ऐसा नोटेशन में रखूंगा, ये इसको बोलते हैं सेट, ये इसको एक सेट में रखा जाता है, ये कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, जो आउटकम्स का कलेक्शन है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये आउटकम्स है, इसके कलेक्शन को मैंने क्या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया, इसको बोला जाता है, इसको मैथ्स में सेट बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, उसको क्या बोला जाता है, सेट, ठीक है। तो हम यहां पे इसको क्या बोलेंगे, हम प्रोबेबिलिटी में इसको सैंपल स्पेस बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। सैंपल स्पेस है क्या, सैंपल स्पेस हमारा है जिसमें हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसका जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। यहां पे उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, इसको क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस, कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक आपको एक्सपेरिमेंट पता लग गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम क्या है, आउटकम हमें पहले से पता हो, अगर आउटकम पता हो तो उसको डिटर्मिनिस्टिक बोला जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें उसका आउटकम ना पता हो, मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसके आउटकम के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो पॉसिबल आउटकम्स में से ही आएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और क्या बोला जाता है इसको, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको हम करते हैं, ठीक है। हाइडिंग इज सर टर्मिनोलॉजीज यूज इन प्रोबेबिलिटी, जो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती है उनको देख लेते हैं हम, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज यूज इन प्रोबेबिलिटी, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं।
एक्सपेरिमेंट जब आप प्रोबेबिलिटी करोगे तो कुछ नए वर्ड्स आएंगे, नए तरह के वर्ड्स आएंगे, तो वो कौन से वर्ड्स हैं उनसे कुछ फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑपरेशन, अगर मान लो आपने ये क्या है, ये मैंने इसको ऊपर थ्रो किया और ये नीचे आ गया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ काम किया, ठीक है, ठीक है। और इसका जैसे मैंने ये कॉइन टॉस किया, मैंने ये कॉइन टॉस किया, ठीक है। अब मैंने एक क्या कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो जो भी आप काम करते हो उसका अगर वेल डिफाइंड आउटकम है तो उसको एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। और ये देखो मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, ये गत्थी है कार्ड की, डेक मतलब गत्थी होता है, ठीक है। तो ये कार्ड्स की एक गत्थी है, ये जोकर को आप निकाल के बात करेंगे, जोकर को कभी इंक्लूड नहीं करना है। जो ये कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें जोकर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं, अगर इसमें से मैं कोई कार्ड निकालता हूं, ठीक है, जैसे मैंने ये कार्ड निकाला तो ये क्या हुआ, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। क्यों सर, ये मुझे पता था, उससे पहले मुझे इस गत्थी के बारे में सब कुछ पता है, इसमें कितने कार्ड्स हैं, कितने टाइप के हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होगा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, समझ गए होगे। और ये जैसे डाइस है, इसको थ्रो करोगे, इतना पता सर, जब भी थ्रो करोगे आएगा क्या, सर आएगा वही जो इसके इसपे छपा हुआ है, जो इसपे हमने मेंशन कर दिया जैसे 1 2 3, लेकिन उससे बाहर तो नहीं आने वाला ना, मतलब मुझे इसके जो भी आउटकम्स हैं वो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। और जो भी आएगा एक्सपेरिमेंट करने पे, जो भी आएगा वो क्या आएगा, वो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो कोई क्या लिखा इसका वो डेफिनेशन लिख लो, एन एक्सपेरिमेंट या एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन जो हमें कुछ क्या दे, वेल डिफाइंड आउटकम्स दे, उसको एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है सर, एक्सपेरिमेंट दो तरीके का होता है, डिटर्मिनिस्टिक जिसमें हमें करने से पहले ही पता हो क्या आएगा, ठीक है, और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट दो तरीके के होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक में हमें क्या होता है, हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता होता है कि उस पे आएगा क्या, लेकिन हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में करने से पहले नहीं पता होता, बट जो भी आएगा वो वेल डिफाइंड आउटकम्स में से आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो सैटरडे मिलिए सर, नेक्स्ट जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच क्या कहता है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, क्या हो, जो भी आउटकम्स हैं वो हमें बताओ, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम
एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिख ली होगी इसकी। तो कहता है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, मतलब हमें उसके सैंपल स्पेस के बारे में पता है, उसके जितने भी वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं उसके बारे में पता है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, मतलब करने से पहले हम उसके आउटकम्स के बारे में बता नहीं सकते। मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये नहीं बता सकते कि आएगा क्या। ठीक है, हम बाबा लोग तो नहीं है ना, अगर हम बाबा लोग होते तो बता देते कि क्या आएगा, या ये तुम्हारा हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन टॉस करने से पहले मैं नहीं बता सकता, ठीक है, कि हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। एग्जांपल बताइए सर इसका। एग्जांपल फर्स्ट, टॉसिंग ऑफ कॉइंस। सेकेंड क्या है? थ्रोइंग ऑफ डाइस। Throwing of dice. और क्या है सर? Taking a card from a pack. थर्ड क्या हमारा? Taking a card from a deck. ठीक है, किसी भी एक डेक से कार्ड विड्रॉ करना, वो हो गया टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस, और क्या है? टेकिंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक। ये सारे क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ एग्जांपल है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हमारा है इवेंट क्या होता है। ठीक है, इवेंट क्या होता है? रेडी करो, इवेंट एग्जांपल आपने लिख लिया होगा, अब इवेंट डालो क्या हो? इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? ये थर्ड आपकी डेफिनेशन थी। इवेंट क्या होता है? अगर जो आउटकम होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जो भी आउटकम आता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। मान लो आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, आपने कॉइन टॉस किया ऐसे कुछ, ये देखो सर ये हेड आया, जो ये हेड आया ना, अब ये पूरा टॉस करने के बाद जो हेड आना है, मतलब ये एक पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो ये टास्क कंप्लीट हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोला जाता है, उसी को इवेंट बोला जाता है। लिख लो, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। देखो, आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, उसको क्या बोला जाता है? इवेंट बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज आप पढ़ोगे सर, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल सर रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही ट्रायल बोला जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल। लुक, इट इज इक्विवेलेंट टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ट्रायल को ही रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है सर? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है सर? मेन फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, वो बताइए सर। इवेंट हो गया सर, आप एक सिंपल इवेंट पढ़ोगे, एक कंपाउंड इवेंट पढ़ोगे। ठीक है, ये भी समझ लो सर, एक सिंपल इवेंट, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं सिंपल इवेंट क्या होता है। ठीक है, कहता है कि मैंने दो कॉइंस को टॉस किया, मेरे पास टू कॉइंस हैं, इनको मैंने क्या किया? थ्रो किया। जब दो कॉइन को टॉस करोगे तो इसका जो भी आउटकम आएगा वो क्या आएगा? जैसे एक कॉइन है। ठीक है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है, इस पे टेल, इस पे भी टेल, हेड टेल, टेल हेड, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है,
टू कॉइंस को मैंने थ्रो किया, उसके जो भी टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये सारे सैंपल ये क्या हो गए, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। और इस पॉसिबल आउटकम्स को जब हम लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सैंपल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मैंने सैंपल स्पेस ले लिया। ठीक है, अब देखना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि गेटिंग टू हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड तो क्या होगा सर, तो जो दो हेड आएगा वो हमारा, जब दो हेड आ जाएगा तो हमारी वो जो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी वो आ गई, मतलब दो हेड का सिर्फ एक ही केस है ना, मतलब इस केस के होने से ही हमारा केस कंप्लीट हो जाता, यानी ये हो गया काम तो मेरा केस कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट अगर मैं पूछूं एग्जैक्टली वन हेड तो कितने केसेस होंगे, तब ये होगा सर ये हो जाए या ये हो जाए, मतलब दो केसेस होंगे। ठीक है, ये दोनों केसेस होंगे तभी एग्जैक्टली वन हेड का जो मैं कह रहा हूं वो कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक है, अगर सैंपल स्पेस में दो से ज्यादा केसेस फेवरेबल केसेस को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कंपाउंडिमेंट बोला जाता है। अगर एक ही केस फेवरेबल केस को फेवर कर रहा है तो उसको सिंपल इवेंट बोला जाता है। ठीक है, एक और देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन डाइस, एक डाइस को आपने थ्रो किया, ठीक है, उसपे इवन नंबर है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स क्या है, जब भी डाइस को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस है। ठीक है, अगर मैं कहूं इवन नंबर कौन कौन सा होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तभी ये इवन, इनमें से कोई भी आ गया तो मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब ये तीन केसेस में से कोई भी आ सकता है, यानी कि इस सैंपल स्पेस में एक से ज्यादा केसेस मेरे फेवरेबल केस को फेवर कर रहे हैं कि नहीं। जब मेरे सैंपल स्पेस में एक से ज्यादा केसेस मेरे फेवरेबल केस को सपोर्ट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। जब मेरे सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ही केस है जो मेरे फेवरेबल केस को फेवर कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको सिंपल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे सिंपल इवेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड इवेंट कहते हैं। अगर मेरे सैंपल स्पेस में एक ही इवेंट है, एक ही केस है जो मेरे फेवरेबल केस को फॉलो कर रहा है, फेवर कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा सर, वो सिंपल इवेंट है। अगर मेरे सैंपल स्पेस में एक से ज्यादा केसेस हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे, मतलब दो से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा होंगे तो कंपाउंड इवेंट होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है, तो अब फॉर्मूला आते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले पे। ठीक है, और बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को पढ़ना, पूरे प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्या है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही एक फॉर्मूला अगर आपको आता है पूरी प्रोबेबिलिटी यहीं पे खत्म हो जाती है, पूरी प्रोबेबिलिटी यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है,